उठ रहा है अभी, आ रहा है आर्यन पानी में से बाहर देख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं खमाड़ी बाग और आज 22 तारीख है, तो राम की जो प्रतिष्ठा चल रहा है तो यहाँ हम वो, तो अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना हुई है तो वो भी हो रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूम के। विहान को भी अच्छा लगेगा और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हम दोनों रेडी हो चुके हैं, अभी हस्बैंड रेडी हो रहे हैं फिर हम लोग निकलते हैं और आर्यन भी यहाँ रेडी हो चुका है। तो चलो हम लोग पहुंच गए थे खमाड़ी बाग और थोड़ा सा नाश्ता लिया क्योंकि आर्यन को खानी थी, भेड़ खानी थी तो वो ले रहे थे हस्बैंड, और मैं घर से ही नाश्ता भी लेके आई थी और अंदर कैंटीन भी है, अगर खाना है तो हम अंदर से भी ले सकते हैं। तो अभी हम आए हैं खमाड़ी बाग थिएटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेनेटोरियम, श्री स्वामी विवेकानंद जॉय ट्रेन स्टेशन, बड़ोड़ा, सयाजी बाजू सीधा है। यान, क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है, खत्म हो गया? हाँ पहना दे। तो हस्बैंड गए टिकट निकालने के लिए और अभी हम जाने वाले जू और वहाँ टिकट है 100 रुपीज़ और आज ट्रेन बंद है क्योंकि मतलब कुछ वडोदरा में कुछ एक इंसिडेंस हुआ था तो इसीलिए ट्रेन बंद है और अभी हस्बैंड गए टिकट निकालने के लिए भी। हाँ पापा इधर गए, पापा ये मुबू, पापा इधर गए हैं। तो हस्बैंड टिकट निकाल के आ गए थे और यहाँ से फिर हमको अंदर जू में जाना था और यहाँ रास्ते में कुछ इस तरह के टेंट लगाए थे तो हस्बैंड को वही पूछ रही थी, मुझे तो पता नहीं थे कि क्या लगा है, तो उन्होंने बोले राम मंदिर की जो स्थापना हुई है उसके लिए कुछ प्रोग्राम होगा। तो फिर हम लोग अंदर गए और यहाँ से आप इधर जा सकते हो, यहाँ से लायन वगैरह देखने के लिए इधर से एंट्री है और आप सीधा जाओगे तो ये पक्षियों के इस तरह के सारे आपको मिलेंगे और यहाँ बहुत सारे मतलब देश के यहाँ पक्षी आपको देखने मिलेंगे और बहुत ही प्यारा लगता है। और विहान को मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई थी यहाँ, पहले आया था पर बहुत ही छोटा था तो उसको पता नहीं, इस बार वो बहुत ही हैप्पी हो रहा था क्योंकि उसको एनिमल ज़्यादा ही पसंद है, घर पे भी कुछ डॉगी वगैरह आता है तो बहुत ही अच्छे से उसको देखता है। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे और हम बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे बच्चों को लेके, तो मूड भी थोड़ा अच्छा होने के लिए बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम लोग बाहर खमाड़ी बाग गए और यह घर से थोड़ी दूर पे ही है, 5-6 किलोमीटर ही, ज़्यादातर दूर नहीं है और बच्चों को भी अच्छा लगता है और थोड़ा खेलने के लिए और हमें भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना था हस्बैंड वाइफ को भी क्योंकि जॉब पे जाते हैं, बस ऐसे ही लाइफ चल रही थी। तो मैंने आपको दिखाया है कि कौन से नाम के क्या पक्षी है वो भी मैंने शूट किया है तो आप देख सकते हो यहाँ, तो आपको भी जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो अच्छा लग रहा था, ज़्यादा गजबज रहे तो देखने का भी मज़ा नहीं आता है। तो आप भी यहाँ ज़रूर आना और 100 रुपीज़ ही चार्ज है, पहले तो कुछ चार्ज नहीं था बस अभी 100 रुपीज़ चार्ज कर दिए।
इसका गाल भी छोटा गया। चलो आगे काटा करो फिर आएगी। हाँ काटा कर दिया। चल दूसरा देख लेते दूसरा। चलो तो इतने सारे देख के बहुत अच्छा लग रहा था और विहान भी बहुत हैप्पी फील कर रहा था क्योंकि वो अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको भी अच्छा लगता है। और शांत था तो देखने में भी अच्छा मिला क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहती है देखने में उतना मज़ा नहीं आता। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। हम जाएंगे तो चले जाएंगे नहीं तो मैं पकड़ो उसका। उसके पास फोटो खींचना था मुझे। कबूतर वाला कबूतर है ये आएगा इसमें ना बड़ा। सिल्वर वो देता भी है और खाता भी है। ये वाला किसको देता है देख दे रहा है। अरे कुछ भी नहीं है उनको अभी ढूंढ रहा है। अरे नहीं वो शायद दूसरा बर्ड था। देखो ये कहाँ कहाँ से कंबोडिया चाइना ना ये कौन है माइनर। तो अभी हम आए हैं मगर देखने के लिए। तो मगर देखने के लिए आए थे पर दोपहर का टाइम तो ज़्यादातर प्राणी सो ही रहे थे और मगर भी आप देख सकते हैं आराम कर रहे थे और इतना डर भी लग रहा था और इतना शांति से देखने मिला क्योंकि बहुत बार आए हैं हम पर पानी के अंदर ही होते पर इस बार सब बाहर ही थे तो अच्छा लग रहा था। और विहान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। Thank you.
अभी हम आए हैं चित्ते देखने और लायन देखने, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो एंट्री ज़रा दूर से कर दी है इसकी, और इधर दोपहर का टाइम है तो दिख नहीं रहे, सो रहे ज़्यादातर पक्षी एनिमल्स सब सो रहे। अरे नहीं जूम करूँ दाखना, उसमें पानी में ही रहता है 24 घंटे, तो हर बार पानी में ही रहता है। कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से दिख ही नहीं रहा है, भी डेंजरस है। ये देख पापा, ये तो इंसान ही नहीं रहा, तेरा ही हरकत कर रहा है। ओ इंसान पे ये ये भी आएगा जो नहीं का ये बाहर लड़ रहा है, मारो। अरे माँ बाप गए उसके, किसने मारा ये तेरे जैसी।
सारा देख लिया था हमने, और अभी हम लोगों को भूख लगी थी, तो यहाँ अंदर ही एक कैंटीन है, तो वहाँ से आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी यहाँ मिलती है। तो नाश्ता मैंने घर से भी लेके आया था, पर सोचा कि यहाँ भी गरम गरम ले ले, तो मैंने यहाँ दो वड़ा पाव मंगाए और समोसे लिए थे। बाकी मैंने मुरमुरे, स्ट्रॉबेरी और जाम, वो सारा कुछ घर से लेके आया था, तो वो भी मेरे पास था। बस ऐसे यहाँ से ऑर्डर किया और बहुत ही अच्छा लगा आज घूम के भी, और इन्जॉय किया हम लोगों ने और बच्चों ने भी इन्जॉय किया। और यहाँ मस्त अभी के थोड़े क्रिकेट खेलना था आर्यन को, तो वो लोग क्रिकेट खेलेंगे, और फैमिली टाइम हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। और ज़्यादातर छुट्टी हस्बैंड को रहती नहीं है, तो सोचा कहीं जाके बच्चों के साथ हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करें। और यहाँ हम खा रहे हैं यहाँ, और अभी हमने नाश्ता किया और घर से भी लेके आई थी मैं, और यहाँ भी फिर वड़ा पाव और समोसे लिए और वो खाए, और यहाँ भी हान और सा ये तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं। लाओ 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 लाओ। तो अभी हम निकलेंगे क्योंकि अभी 7 बज गए हैं और घर जाके खाना वगैरह भी मुझे बनाना है। बस अभी थोड़ी 2 बजे आए थे, अभी बज गए 7, और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे। और हस्बैंड वो यहाँ खेल, और आर्यन जिद कर रहा है कि ज़्यादा खेलेंगे, इसलिए ये दोनों क्रिकेट खेल यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।